को अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि मंत्रिमंडल में बड़ी रिप्रेजेंटेशन जम्मू को मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद और सीएम पद की शपथ लेने के बाद तुरंत जम्मू का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान कई सारे प्रतिनिधि मंडलों के साथ मुलाकात होगी। खास तौर पर जो कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल हैं वो उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे और अन्य मुद्दों पर चर्चाएं भी सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ होने वाली हैं। शिल्पा शर्मा हमारी सहयोगी इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, उमर अब्दुल्ला का ये पहला दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा और क्या इस कार्यक्रम में खास है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम अपना कार्यभार संभालने के बाद जो है वो जम्मू आज पहुंचेंगे। करीबन 1 बजे जो है वो पहुंचेंगे और सबसे पहले वो पार्टी ऑफिस यहां पर आएंगे, जहां पर इस समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस कार्यालय में मौजूद हूं। और देखिए, तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है, पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। जो भी अंदर प्रवेश कर रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है और उसके अंदर जो है वो प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। देखिए, कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो निगरानी रख सके। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर इसके जवान तैनात है और तीसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए कमांडो भी यहां पर जो है वो तैनात किए गए हैं। इस रूट की बात करें तो यहां पर पूरी तरीके से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है और सबसे पहले उमर अब्दुल्ला पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे। पार्टी ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद जो है वो सेक्रेटरीट जाएंगे, वहां पर अधिकारियों और कर्मियों के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए यहां पर तस्वीर ढोल नगाड़ों का यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से बंदोबस्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, सीएसएफ के जवान तैनात है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दिया गया है। और करीबन 1 बजे उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो पहुंचेंगे और सबसे पहले पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और उसके बाद वो सेक्रेटरीट जाएंगे, जहां पर देखिए जब सीएम उमर अब्दुल्ला जब सीएम बने थे तो उन्होंने तुरंत जो है वो बैठक की थी अधिकारियों के साथ और उसके बाद आज जो है जम्मू पहुंचेंगे, जहां पे आज भी वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां पे एक बूस्टअप जो है वो कर्मियों को देंगे ताकि उन्हें ये ना लगे कि उन्हें जो है वो निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो कुछ ही समय के बाद तरीके से तमाम सवाल उठते नजर आ रहे थे कि जम्मू को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से मिलेगी, लेकिन कल यहां पर रिप्रेजेंटेशन भी प्रतिनिधि मंडल में मिली, डिप्टी सीएम जम्मू से बना है। वहीं पर दूसरी तरफ अब जम्मू को इग्नोर ना करते हुए तुरंत उन्होंने जम्मू का दौरा किया है, तो किस तरीके से इन तमाम चीजों पर अंकुश लगता नजर आएगा, क्योंकि लगातार ये बोला जा रहा था कि जम्मू को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, रीजनल इंबैलेंस की जिस प्रकार से जो है वो बात की जा रही थी, तो उसी रीजनल इंबैलेंस को बैलेंस करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को बनाया, सतीश शर्मा को जो है वो मिनिस्ट्री दी गई, जहां पर कई सारे डिपार्टमेंट जो है वो उन्हें सौंपे गए हैं, तो इस चीज को बैलेंस यहां पर इन्होंने जरूर किया है। और देखिए, कर्मियों के साथ वो यहां पर मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, तो कर्मियों को एक बूस्टअप भी देंगे ताकि उन्हें ये ना लगे कि उन्हें जो है वो निग्लेक्ट किया जा रहा है। डेलीगेशन के साथ जो है वो उनकी मुलाकात होगी, ये आपको बता दें कि सीएम रेजिडेंस में ही जो है वो डेलीगेशन के साथ मुलाकात होगी। तो जम्मू के आम जनता से जब भी हम आम जनता के बीच उतरते हैं तो उनसे जब भी सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि एक रीजनल इंबैलेंस हुआ है, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं कि इस रीजनल इंबैलेंस को जो है वो दूर किया जाए। जितना कश्मीर घाटी के लिए जो है वो यानी कि वहां पर जो है वो कार्य किए जाएंगे, वहां पर विकास किया जाएगा, उतना ही जम्मू को भी पूछा जाएगा, जम्मू संभाग को पूछा जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कहा है और उमर अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कहा है। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला देखिए 3 दिन के बाद जो है वो जम्मू में दौरा कर रहे हैं, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा है। शिल्पा, लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उन्होंने कश्मीर के अंदर अधिकारियों के साथ बैठक ली, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली और सीधे निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर के कार्य प्रगति से हों, तेजी से हों, ताकि जल्द से जल्द लोगों के मसले जो हैं वो सुलझ जाएं। अब जम्मू के अंदर भी क्या अधिकारियों से बैठक होगी, क्या निर्देशित किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले वो पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद वो जो है वो सेक्रेटरी जाएंगे, जहां पे अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी और ये बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक होगी, कर्मियों के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे, डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचेंगे। तो विकास जिस प्रकार से इन 5 सालों में जो विकास होना चाहिए उस विकास को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है कि बेहतर से बेहतरीन विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे फिर वो जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर डिवीजन हो। शिल्पा, जो एक डेलीगेशन बताया जा रहा है कि काफी सारी डेलीगेशन उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगी, लेकिन कश्मीरी पंडितों की जो डेलीगेशन है वो काफी अहम मानी जा रही है, मुलाकात होगी और कश्मीरी पंडितों का एक अहम मुद्दा हमेशा से रहा है घर वापसी, तो क्या कुछ लगता है इन तमाम चीजों को लेकर उमर अब्दुल्ला से चर्चा हो सकती है?
देखिए फिलहाल कई सारे डेलीगेशन की मुलाकात जो है वो बातचीत जो है वो उमर अब्दुल्ला के साथ होगी, बैठक होगी, लेकिन जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की बात करें तो फिलहाल इसके रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार से आपने कहा कि एक अहम मुद्दा उनका रहा है कि घर वापसी, जब भी चुनाव हुए थे तो तब उनका ये सातों पर कहना था कि घर वापसी के लिए हम जो है वोट डाल रहे हैं, आने वाली जो सरकार होगी हम उसके लिए वोट डाल रहे हैं ताकि हमें हमारी जो है वो घर वापसी की जाए। तो कश्मीरी पंडित अगर डेलीगेशन वहां पर यानी कि उमर अब्दुल्ला के साथ जो है वो बातचीत करते हैं, पहुंचते हैं, तो वो भी एक अहम रोल जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा तमाम जानकारी के लिए और ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाने के लिए। आज उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू के अंदर दौरा होगा, महत्वपूर्ण दौरा है और साथ ही साथ जो अलग अलग विभाग हैं उनके अधिकारियों से भी उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात के जरिए अब जम्मू को लेकर और जम्मू के विकास को लेकर भी बातचीत हो सकती है।